वेलकम टू द वीडियो सेशन केन पब्लिशर्स प्यारे बच्चों इनिशियली आपके पास इन तीन किताबों का होना जरूरी है नंबर वन जनरल साइंस प्राइमरी स्टैंडर्ड सी एस एस सीरीज केन्ट पब्लिशर्स नंबर टू समर पैक एंड नंबर थ्री रिसोर्स पैक डियर स्टूडेंट्स जनरल साइंस में बुक के अंदर आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं और इन कॉन्सेप्ट्स की एक्टिविटीज आपको समर पैक में मिलेंगी इन दिनों छुट्टियां हैं यू डोंट हैव योर क्लासेस सो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स वी हैव स्टडीड इन बुक यू विल सी दीज एक्टिविटीज इन योर समर पैक अगर आपको कोई A uh, solution me masla ho exercises solving me to summer pack can help you in that regard as well so try to get these three books then we can uh, understand the concept easily i hope that you are all fine and you are ready to solve the exercise of the first chapter classification of living things so my dear students first of all we are coming towards filling the blanks and i am sure that you all can do it without any problem so let me read the first one mcq choose the correct answer against each statement scientists classify living things in the field known as taxonomy biology history geography this is very easy this is the beginning of classification and you know it Uske baad, humne Second lecture may bhakiti the number of living species that have been discovered up till now: 1.2 billion, 1.6 billion, 2.5, 5 million. You can remember, but if you can't, you can go back and see the text and you will remember. Which of the following is an aquatic? Lizard aquatic hai. ऑस्ट्रिक क्टिक है शार्क इक्वेटिक है या बोट एक्वेटिक है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है वो लिविंग थिंग्स जो पानी में रहते हैं नंबर फोर इंसेक्ट्स एंड द एग्जांपल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक तो इंसेक्ट है दूसरा वर्म्स है फिशेज है रेप्टाइल्स है या एम्फीबियंस किस में इनवर्टिब्रेट मैं दिस इज क्वाइट इजी द फिफ्थ वन इज द अर्थ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स फिशेस सबसे ज्यादा हैं रेप्टाइल सबसे ज़्यादा हैं इंसेक्ट ज़्यादा हैं मैमल ज़्यादा हैं If you don't remember, then it's not good, but yet you can go back and you can see among the classification and you will get the answer of this question. Coming towards sixth MCQ, and this is what which is the largest group of plants? Gymnosperm, angiosperm. This is quite easy. The sixth one is The differential characteristic of angiosperm plant is इसकी distinguishing करेक्टर किस में है seeds में leaf में root में या fruit में कौन सी चीज जिम्नोस्पॉम से different होती है इसकी एट वन इज विच प्लांट हैज अ फीचर ऑफ राउंडेड एंड फेट सीड टू फीड द एम्ब्रियो प्लांट कौन से में था आप लोगों ने पढ़ा था फन्स में है मॉसिस में है मनोकट में है डाईकट में है The ninth one, which of the following is a group of flowering plants? Flowering plants ka group kon hai? Ferns hai? Mosses Gymnosperms hai? Angiosperms So, this is very interesting and very easy. My dear students, now coming towards the brief questions, the short questions. And, very easy. Define classification. Oh, you have studied in the very first uh, two lectures. And, why amphibians placed between fish and reptile? Hmm. बिकॉज़ ये कहाँ रहते हैं यू थिंक ऑन हाउ आर फ्लैट वर्म्स डिफरेंट फ्रॉम सीगमेंटेड वर्म्स फ्लेट फॉर्म किस ग्रुप का है सिगमेंटेड वर्म किस ग्रुप का है और इनमें फर्क क्या है वट कैरेक्टर्स डिफरेंशियट एल जी एंड फंजाई एल जी और फंजाई में कौन सी चीजें डिफरेंट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मनोकट एंड डायक प्लांट बड़ा आसान है तुमने डाईकट मनोकट सीड भी पड़ा फ्लावर भी पड़ा लीव भी पड़ा और प्लांट्स में भी डिफरेंसेस पढ़ ली व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउंड वॉर्म राउंड वॉर्म्स किस कैटेगरी में फॉल करता है और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है माइ डियर स्टूडेंट नाउ दिस इज द टर्न ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मी बतानी है इंपॉर्टेंस भी बतानी है करेक्टरिस्टिक डिटेल से बतानी है बेसिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल हर एक ग्रुप से क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेड विपल यानी वर्टिब्रेड को मजीद किन ग्रुपों में तकसीम किया गया उनके एग्जाम्पल्स के साथ और उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन वर्टिब्रेड और ये सारी चीज हमने बड़ी डिटेल से आपने साथ दिया आप लोगों ने सुनाट और इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लॉरिंग एंड नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स विद एग्जाम्पल फिर डिफरेंशिएट बिटवीन कोटेलेडेंस ऑफ फ्लोरल

Halkar lo. Thank you very much, my dear students. See you in the next chapter. Allah Hafiz.